ओम शांति। और जब कानपुर में रहे, बाबा ने कानपुर से विदाई ली, दिल्ली आए, तो सभी को जिन जिन को बाबा के साथ आना था वो तो सब चले गए। अब चूंकि हम नए थे, हमको यही नहीं पता किसके साथ जाना है, कब जाना है स्टेशन पर। दीदी लास्ट में बाबा के साथ जा रही थी तो मैं ऐसे ही लाइन में खड़ी थी, बाकी सब स्टेशन जा चुके थे। हमारी मिठी गंगे दादी तो पहले से स्टेशन पहुंच गई थी, आतमोहिनी दादी भी पहुंच गई थी, सबका सामान ट्रेन में चढ़वाना करना। तो लास्ट में दीदी बाबा के साथ कार में जा रही थी, तो दीदी ने देखा ये तो खड़ी है, और वहां की जो कर्मा माता थी कानपुर की, जहाँ बाबा आए हुए थे कोठी में, वो भी दीदी के साथ बाबा के साथ कार में थी। दीदी ने मेरे इसको देखा, ये खड़ी है, अरे इसका तो प्रोग्राम दिल्ली जाने का है और ये यहाँ खड़ी है, तो मेरे को बुलाया, कहा कि तुम गई नहीं। मैंने कहा दीदी मुझे तो पता ही नहीं कि किसके साथ मुझे जाना है, कौन ले जाएगा स्टेशन। तो दीदी ने बहुत प्यार से मुझे बुलाया, कार में जगह नहीं थी, लेकिन दीदी ने अपनी गोदी में मुझे बिठा लिया, कहा आओ तुम मेरे साथ चलो। तो एक प्यार तो वो था दीदी के प्रति जो बाबा को मैसेज दिया, दूसरा और भावना बैठ गई कि देखो दीदी माँ बन करके, कहा दीदी की जो पोजीशन है और मैं जो गांवड़े से आई हूँ, दीदी ने बहुत प्रेम से गोद में जैसे माँ बच्चे को बिठाती है ऐसे बिठा करके मुझे स्टेशन लेके गई। दीदी हर समय मेरा ख्याल रखती थी,